जी, इसको भी डिटेल बता देते हैं तुमको। कह रहा है 28 मिनट के अंतराल पे दो गोलियां चलाई गई, लेकिन इस जगह से दूर जा रहा, पिछले बार में नजदीक आ रहा था, इस बार दूर जा रहा है। तो दूसरे बार दूसरी गोली 30 मिनट बाद सुनाई देती, बनाते हैं इसको आज। ये रखा मेरे बेटे का बंदूक पाने में टाइम कि आ जाओ, बंदूक चला दो। 12 बजे पहली गोली मान लो मेरे बेटे ने चलाई, यहां से चलाने के ये जी ट्रेन, लेकिन इस बार ध्यान देना ट्रेन इधर जा रही है। तो भाई एक बात बताओ, 12 बजे अगर गोली यहां से चलाई तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा यहां से आने में, ऐसा थोड़ी 12 बजे चलाई तो 12 बजे पहुंचेंगे। आपके बिल्कुल टाइम नहीं, मान लेते 10 मिनट टाइम है, कुछ भी ले लो, 100 मिनट मान लो, 2 मिनट मान लो, 5 मिनट मान लो, 20 मिनट मान लो, कुछ मान लो, है ना। 25 मिनट में तो ट्रेन है, उसी से चला तो मान लो सुनाई दी पहली गोली 12 बजे 10 मिनट। कहता बाबू इसने अगली गोली दौड़ा दी 12 बजे 28 मिनट, बट इसको जो सुनाई थी वो 30 मिनट बाद सुनाई थी। इसका मतलब ये हुआ ये 30 मिनट तक आगे चलता, ये 30 मिनट बाद यहाँ पहुंच गया, चली नहीं रहा। तो 30 मिनट बाद 12:10 में 30 मिनट जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12:40 मिनट, यानी यहाँ से ट्रेन नहीं यहाँ तक आने में 30 मिनट टाइम लिया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तो ये ट्रेन यहाँ से आता 30 मिनट बाद पहुंची 12:40 पे। अब मेरे बच्चों ये बताओ ये गोली यहाँ से चली कितने बजे? 12:28 पे, और सुनाई कब दी? 12:40 पे। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट, यानी कि इस ट्रेन ने 12 मिनट का समय लिया। कितने मिनट का समय लिया भाई? 12 मिनट का समय लिया। हाँ, तो ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में पहुंचेगी। यहाँ से कितनी देर पहुंचेगी? 12 मिनट। आवाज 12 मिनट पहुंचे, कभी बात यहाँ से आवाज पहुंची 10 मिनट में, यहाँ से आवाज पहुंची 12 मिनट में, तो यहाँ से आवाज पहुंची कितनी देर में? पहुंचेगी 2 मिनट में। और भाई कहानी की इतनी डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रेवल करती 30 मिनट में, और साउंड ट्रेवल करती 2 मिनट में। रिशो होगा 15, तो स्पीड का रिशो आएगा 1 15, यानी ट्रेन की स्पीड 1 यूनिट, तो साउंड की स्पीड 15। अगर ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आओ, 1 यूनिट 20 तो 15 मिनट, 15 गुना 20 होता है 300 किलोमीटर पर। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर है, ये है मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर। 300 किलोमीटर पर आओ, 300 किलोमीटर पर आओ मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर, 300 किलोमीटर पर आओ मेरा सही। भाई 28 मिनट पेट्रोल पर गोली चली, आदमी को 30 मिनट बाद सुनाई थी, तो आदमी को जितनी देर बाद सुनाई थी उतना टाइम आदमी लगेगा, आदमी कहां बैठा ट्रेन, तो इसका ट्रेन टाइम लगी 30 मिनट। पता है आदमी को जितनी देर बाद सुनाई थी, जितनी देर बाद उतना टाइम आदमी लगेगा। इनका गैप कितना मेरे भाई? 2 मिनट का। तो साउंड कितना टाइम लगे मेरे बच्चे? साउंड लगी 2 मिनट का। हाँ, साउंड लगी कितना टाइम? 2 मिनट का। जो इनके बीच का डिफरेंस है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या ट्रेन का साउंड? हाँ, मेरे बच्चे का रेशियो लोगे तो 15 का, स्पीड का रेशियो लोगे तो 1 15, बस स्पीड को लेट करा दो आंसर आ जाएगा। हाँ, देखिए सवाल की भाषा बदली, सवाल वही है। ये सवाल का चाहे कैसे पढ़ सकते हैं, पहले पढ़ के सुनाता हूं। बस डिपो से 20 मिनट बस निकलती है, तो बस डिपो से दूर जा रहे आदमी का 24 मिनट बाद बस मिलती है, यानी पैसे पड़े गनक है वो हर 20 मिनट के बाद गोलियां चलाता है। एक गनक है वो हर 20 मिनट के बाद गोलियां चलाता है, लेकिन बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट बाद गोलियों की आवाज नहीं देती। बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट बाद गोलियों की आवाज नहीं देती, हर 24 मिनट बाद आदमी को सुनाई देती। तो जितना टाइम बाद आदमी को सुनाई देती उतना टाइम से डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आदमी देगा। अब डिफरेंस कितना है? 4 मिनट। तो जो डिफरेंस आता है दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? साउंड है नहीं, तो दूसरा पार्ट क्या? बस इसका बस उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगेगी 4 मिनट। तो रेशियो निकालोगे 6 किलोमीटर पर आओ, मेरे बच्चे बस की जो स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आओ, तो 6 मिनट लगेगा, 6 गुना 180 किलोमीटर पर आओ। यानी मेरे बच्चे बस की जो स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आओगे।